हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फेरिंजियल प्लेक्सिस के ऊपर। तो वही, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका यूज क्या है, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले कहाँ होता है, देखिए नाम से पता लग रहा है फेरिंजियल प्लेक्सिस, तो दिस इज रिलेटेड टू फेरिंग्स, फेरिंग्स से रिलेटेड होगा। तो मतलब ये प्रेजेंट होता है हमारी फेरिंग्स का जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, फेरिंग्स की जो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होती है वहाँ पे उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कौन, फेरिंजियल प्लेक्सिस। अब देखिए नाम से पता लग रहा है फेरिंजियल प्लेक्सिस, मतलब कुछ नर्व्स आई और उन्होंने यहाँ पे एक झुंड बना दिया, मतलब बहुत सारी नर्व्स आई और वहाँ पे मिल गई, और जो बहुत सारी नर्व्स आई जो यहाँ एक साथ मिली, तो जो मिली है उसे ही बोलते हैं फेरिंजियल प्लेक्सिस। जैसे आप पढ़ते हैं ना अनास्मोसिस, अनास्मोसिस क्या होता है, बहुत सी जगह से आर्टरी जाती है, कोई आर्टरी मतलब तीन चार आर्टरी जाती है और वो बेसिकली आपस में अनास्मोस हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अनास्मोसिस। ओके, वैसे ही है, अगर नर्व तीन चार जगह से नर्व आई, अगर वो आपस में आके मिल गई तो उसे क्या बोलेंगे, प्लेक्सिस। ओके, तो बेसिकली नर्व में प्लेक्सिस पड़ते हैं और आर्टरी में अनास्मोसिस पड़ते हैं। ओके, बेसिकली अब फेरिंजियल प्लेक्सिस है तो बेसिकली इसकी भी, इसमें कौन कौन सी नर्व्स आती है और प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है, तो देखिए फेरिंजियल प्लेक्सिस के अंदर बेसिकली तीन जगह से नर्व आती हैं, मतलब इसमें तीन नर्व्स पढ़नी है जो कि प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं, तो हमें तीन नर्व्स पढ़नी है इसके अंदर। ओके, बेसिकली यूज क्या है, यूज ये है कि जब भी आप फेरिंग्स मसल की नर्व सप्लाई पढ़ते हैं या फिर आप सॉफ्ट पैलेट की नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो वहाँ आप क्या पढ़ते हैं, फेरिंजियल प्लेक्सिस, क्योंकि फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट इन मसल्स को, फेरिंग्स की मसल्स एंड सॉफ्ट पैलेट की मसल्स, इनको सप्लाई होती है फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू। ओके, तो बेसिकली हो गया कि हमें इसकी पढ़नी है फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट की नर्व सप्लाई। अब तीन ब्रांच कौन सी हैं, तो देखिए एक होती है वेगस की फेरिंजियल ब्रांच, एक होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की फेरिंजियल ब्रांच, और एक होती है हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की फेरिंजियल ब्रांच। ओके, मतलब कि क्रेनियल नर्व नंबर 9, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, तीनों की फेरिंजियल ब्रांच मिलके बनाती है हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस। ओके, अब जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इन फ्यूचर जब भी आप वेगस नर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली फेरिंजियल प्लेक्सिस क्या होता है, फिर फिर वेगस नर्व की नर्व सप्लाई, फिर वेगस नर्व की ब्रांचेज, वेगस नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई करती है, क्या सेंसरी है, क्या मोटर है, तो बच्चे क्या है डायरेक्ट वेगस नर्व पढ़ते हैं। ओके, तो डायरेक्ट अगर वेगस नर्व पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो देखिए वेगस नर्व को पढ़ने से पहले या फिर क्रेनियल नर्व नंबर 9 दोनों को पढ़ने से पहले अगर आप फेरिंजियल प्लेक्सिस पढ़ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी सिंपल हो जाएगी। ओके, आते हैं तीन ब्रांच, तो तीन ब्रांच कौन सी होती हैं, सबसे पहले होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 9, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एंड थर्ड कौन सी होगी, थर्ड होगी हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, तो थर्ड होगा सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक। देखिए इसके बाद फेरिंजियल प्लेक्सिस के बाद हम वेगस नर्व अपलोड करेंगे ताकि आपको वेगस एकदम क्लियर हो जाए, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, तो ये हो गया। तो तीन ब्रांच, क्रेनियल नर्व नंबर 9 कौन सी होती है, वेगस नर्व, तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 की भी कौन सी ब्रांच, देखिए क्रेनियल नर्व नंबर 9 यानी कि वेगस, इसकी भी कौन सी ब्रांच, फेरिंजियल ब्रांच, ओके, क्रेनियल नर्व नंबर 9 की फेरिंजियल ब्रांच। देखिए वेगस की आप पढ़ते हैं टू न्यूक्लियस, एक होता है सुपीरियर न्यूक्लियस, एक होता है इंफीरियर न्यूक्लियस, सुपीरियर से निकलती है दो ओरिकुलर और एक निकलती है हमारे पास मेनिंजियल ब्रांच, जबकि इन्फीरियर से निकलती है फेरिंजियल ब्रांच। ओके, मतलब छोड़िए आपस ये ध्यान रखना, हम वेगस नर्व बाद में डिटेल से बता देंगे सारा का सारा कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। ओके, तो वेगस नर्व की फेरिंजियल ब्रांच ये बनाती है, एक तो होगी, मतलब तीन होती है वेगस नर्व की फेरिंजियल ब्रांच, नंबर 10th कौन सी होती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की भी फेरिंजियल ब्रांच, इसकी भी फेरिंजियल ब्रांच। ओके, बेसिकली फेरिंजियल प्लेक्सिस है तो इसकी भी फेरिंजियल ब्रांच होगी, इसकी भी फेरिंजियल ब्रांच होगी, और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया इसकी भी क्या होगी, फेरिंजियल ब्रांच होगी, PHARYN इसकी भी होगी फेरिंजियल ब्रांच। ओके, तो देखिए आप अगर, आपने अगर सिंपैथेटिक ट्रंक पढ़ा हो तो तीन होती हैं,
सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो, एक होता है मिडिल, एक होता है इन्फीरियर। तो तीन सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो होते हैं, देन उसके बाद थोरेक्स वाले स्टार्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर क्या होंगे, सर्वाइकल वाले। ओके, तो देखिए ओनली सुपीरियर वाला, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो की फेरिंजियल ब्रांच ही पार्टिसिपेट करती है फेरिंजियल प्लेक्सिस में। तो देखिए फेरिंजियल प्लेक्सिस ये फॉर्म होता है, बनता है तीन नर्व्स के थ्रू, क्रैनियल नर्व नंबर 9 की फेरिंजियल ब्रांच, क्रैनियल नर्व नंबर 10 की फेरिंजियल ब्रांच एंड सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो की फेरिंजियल ब्रांच। ओके, तो ये तीनों मिलकर बनाएगी हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस। बेसिकली नाम से पता लग रहा है फेरिंजियल मतलब फेरिंग से रिलेटेड होगा, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट ओवर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट ओवर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। देखिए फेरिंग्स में थ्री कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है ना, थ्री कौन सी होगी, एक होगी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होती है मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होती है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, तो प्रेजेंट ओवर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ओके, तो फेरिंग्स के मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के ऊपर ये हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। ओके, देन अब बेसिकली इसकी वेगस नर्व है, ये कौन सी देती है, सेंसरी देती है, मोटर देती है, ये कौन सी देगी, क्रैनियल नर्व नंबर 10 ये कौन सी देगी, तो इनको हम समझते हैं। तो देखिए जो वेगस होती है ये देती है हमारे, मतलब फेरिंजियल प्लेक्सिस की जो वेगस नर्व है बेसिकली ये होती है मोटर। तो वेगस क्या होगी, दिस इज मोटर, तो वेगस के सामने लिख रहा हूँ मैं मोटर। तो बेसिकली वेगस ये होगी हमारे पास मोटर वाली, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। वेगस होती है मोटर। ओके, देन उसके बाद जो नीचे वाली है, दिस इज क्रैनियल नर्व नंबर 10, ये वाली ब्रांच कौन सी देती है, ये देती है हमारे पास सेंसरी, मतलब क्रैनियल नर्व नंबर 10 होती है, दिस इज सेंसरी ब्रांच। ओके, जो मतलब फेरिंजियल प्लेक्सस के अंदर क्रैनियल नर्व नंबर 10 होती है सेंसरी, वेगस कौन सी होगी मोटर, एंड सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो ये कौन सी होती है, वेसो मोटर। वेसो मोटर मतलब दिस इज सप्लाई टू ब्लड वेसल्स, वेसो मतलब वेस्कुलर, मतलब जो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया होती हैं, गैंग्लियन होता है, ये बेसिकली हमारे फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट की ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई करता है कि कब उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, कब उन्हें डायलेट होना है। ओके, तो तीन हो गई, मोटर दिस इज बाय वेगस, मतलब मोटर बाय 9, सेंसरी बाय 10, 10th क्रैनियल नर्व एंड वेसो मोटर बाय सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियो, ये हो गया। ओके, अब आते हैं कि बेसिकली मोटर में है, मोटर है तो सप्लाई करेगी मसल्स को, तो कौन कौन सी मसल्स को ये सप्लाई करती हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस ये सप्लाई करता है ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस। ओके, मतलब ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स को सप्लाई, देखिए मैं बात कर रहा हूँ मोटर सप्लाई की, तो इस मोटर सप्लाई को यहाँ ले आते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी मोटर ब्रांच सप्लाई करता है। तो सबसे पहली बात कर रहा हूँ मैं कि मोटर सप्लाई ऑफ वेगस नर्व, वेगस होती है मोटर वाली, तो सप्लाई करती है ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास ये सप्लाई करती है ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, एक्सेप्ट ओके, ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट टेंसर पैलेटनी। ओके, तो जो हमारी वेगस होती है फेरिंजियल प्लेक्सिस की, जो वेगस ब्रांच होती है जो कि होती है मोटर, ये सप्लाई करती है मसल्स को, मोटर मतलब मसल्स को सप्लाई करेगी। तो किन किन की मसल्स, कौन कौन सी जगह की मसल्स को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हमारे ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोफेरिंजियस को सप्लाई नहीं करती है हमारी वेगस। ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट की ऑल मसल्स को हमारी फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस सप्लाई करती है,
जो कि किसके थ्रू, फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू। देखिए फेरिंग्स और सोक पैलेट की मसल्स को सप्लाई हो रही है वेगस की फेरिंजियल ब्रांच, ओके वेगस की फेरिंजियल ब्रांच सप्लाई कर रही है किसके थ्रू, फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू। देखिए लेरिंग्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप अपने दिमाग में लेरिंग्स मत लाना। लेरिंग्स को सप्लाई करती है ओनली ऑन ओनली वेगस, लेरिंग्स के लिए कोई फेरिंजियल प्लेक्सिस नहीं होता, या फिर न्यू बोल दीजिए फेरिंजियल प्लेक्सिस दिस इज नॉट सप्लाई टू लेरिंग्स। लेरिंग्स की मसल्स को फेरिंजियल प्लेक्सिस सप्लाई नहीं करता है, तो लेरिंग्स को सप्लाई कौन करता है, लेरिंग्स को सप्लाई करती है ओनली वेगस नर्व, वेगस नर्व ही लेरिंग्स की मसल्स को सप्लाई करती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फेरिंग्स लिखा है और सॉफ्ट पैलेट लिखा है, मैंने यहाँ लेरिंग्स नहीं लिखा है। देखिए बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके तो मोटर ब्रांच हुई दो, दो कौन सी हुई, फेरिंग्स की मसल्स एंड सॉफ्ट पैलेट की मसल्स। ओके अब देखिए हमने बोला एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस, तो बेसिकली अब स्टाइलोफेरिंजियस इसको सप्लाई कौन करती हैं, तो देखिए स्टाइलोफेरिंजियस दिस इज सप्लाई बाय क्रेनियल नर्व नंबर 9, गलती हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वेगस नर्व दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, ओके सॉरी इसको देख लेना, एंड क्रेनियल नर्व नंबर 9 कौन सी होती है, ग्लोसोफेरिंजियस। ओके सॉरी गलती हो गया, वेगस नर्व होती है क्रेनियल नर्व नंबर 10 और क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है ग्लोसोफेरिंजियस, ग्लोसोफेरिंजियस। ओके तो सॉरी गलती, देख लेना एक बार, PHAR, ओके तो दिस इज ग्लोसोफेरिंजियस। ओके तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लोसोफेरिंजियस की फेरिंजियल ब्रांच दिस इज सेंसरी, क्रेनियल नर्व नंबर 10 वेगस इसकी फेरिंजियल ब्रांच दिस इज मोटर। ओके देखिए आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं देख के बता दूंगा कि सही है या गलत है। ओके जो भी प्रॉब्लम लगती है, ओके सप्लाई फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। अब देखिए एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस, अब बेसिकली स्टाइलोफेरिंजियस दिस इज सप्लाई बाय क्रेनियल नर्व नंबर 9, ओके स्टाइलोफेरिंजियस सप्लाई करती है हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9 यानी कि ग्लोसोफेरिंजियल। देखिए आपको पता हो हमारा होता है ना फेरिंजियल आर्चेज, ओके फेरिंजियल आर्चेज, तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 बेसिकली ये कौन सी होती है, दिस इज द नर्व ऑफ थर्ड आर्च, 3G मतलब थर्ड फेरिंजियल आर्च जिसे ग्लोसोफेरिंजियस, 3 से क्या है, दिस इज थर्ड फेरिंजियल आर्च एंड जिसे क्या है ग्लोसोफेरिंजियस एंड ग्लोसोफेरिंजियस दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 9, ओके तो 3G मतलब थर्ड आर्च की नर्व है ग्लोसोफेरिंजियस एंड ग्लोसोफेरिंजियस दिस इज सप्लाई टू स्टाइलोफेरिंजियस मसल। ओके तो हम इसे कहाँ पढ़ते हैं, हमारे फेरिंजियल आर्चेज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने फेरिंजियल आर्चेज अपलोड कर दिए हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके देन अब आते हैं आल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है हमारी फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व थ्रो फेरिंजियल प्लेक्सिस, बट टेंसर पैलेटनी इसको सप्लाई नहीं करती हैं। ओके तो टेंसर पैलेटनी को सप्लाई कौन करती हैं, तो टेंसर पैलेटनी दिस इज सप्लाई बाय इसको सप्लाई करती है हमारी मैंडिबुलर नर्व। ओके मैंडिबुलर नर्व दिस इज द नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च, दिस इज नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च। ओके मैंडिबुलर नर्व दिस इज द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। ओके ग्लोसोफेरिंजियस नर्व, ग्लोसोफेरिंजियस दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 9, दिस इज द नर्व ऑफ थर्ड आर्च। ओके तो स्टाइलोफेरिंजियस दिस इज सप्लाई बाय थर्ड आर्च नर्व यानी कि ग्लोसोफेरिंजियस, एंड टेंसर पैलेटनी दिस इज सप्लाई बाय फर्स्ट आर्च मसल एंड दिस इज मैंडिबुलर नर्व थ्रो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। ओके मतलब मैंडिबुलर नर्व की भी कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है टेंसर पैलेटनी को, ये सप्लाई करती है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड मसल PTRY नर्व टू मीडियल टेरिगोइड मसल। ओके तो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड मसल ये होती है हमारी मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच, तो टेंसर पैलेटनी दिस इज सप्लाई बाय मैंडिबुलर नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व की भी कौन सी ब्रांच, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। ओके छोड़ी मसल छोड़िए, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड दिस इज सप्लाई टेंसर पैलेटनी। ओके ये हो गया। अब देखिए आपको पता होगा फेरिंग्स कि आल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स की मसल्स कौन कौन सी होती है, तो आपको पता ही होगा कि हम जो फेरिंग्स की मसल होती है उसे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स कौन से, इसकी होती है एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल LOGI मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और एक होती है इसकी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स।
एक होती है इसकी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तीन होती हैं, तीन कौन सी होगी, एक होती है हमारे पास स्टाइलोफेरेंजियस, एक होती है हमारे पास सेल्पिंगोफेरेंजियस, ओके, और एक होती है हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस, ओके। दीज आर थ्री लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स। एंड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स कितनी होती है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स भी तीन होती हैं। तीन कौन सी, एक होगी हमारे पास सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होगा हमारे पास मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होगा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ओके। तो सिक्स नर्व होती है फेरिंग्स के अंदर, सिक्स नर्व होती है जिन्हें टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट कौन से होंगे, देखिए मैंने बता दिए फेरिंग्स के मसल्स, दीज आर टू पार्ट्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तीन होती है, स्टाइलो फेरेंजियस, यहाँ पे क्या आएगा स्टाइलो फेरेंजियस, सेल्पिंगो फेरेंजियस एंड पैलेटो फेरेंजियस, ओके। देन कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर थ्री, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ओके। तो इन छह में से पांच मसल्स, छह में से पांच मसल्स, पांच मसल्स कौन सी, मतलब स्टाइलो को हटा दीजिए, आपको स्टाइलो फेरिंजियस को हटाना है, और उसके बाद बची पांच मसल्स, सेल्फिंगो, पैलेटो, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इन पांचों को सप्लाई होती है हमारी वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व की फेरिंजियल ब्रांचेस के थ्रू वाया फेरिंजियल प्लेक्सस, ओके। जबकि आपको पता होगा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के अंदर भी आप पांच मसल्स पढ़ते हैं, सॉफ्ट पैलेट के अंदर भी पांच मसल्स पढ़ते हैं, पांच में से फोर, पांच में से चार मसल सप्लाई, चार मसल सप्लाई होती है हमारे वाया फेरिंजियल प्लेक्सिस ऑफ, मतलब फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई होगी, किसके थ्रू, वेगस ऑफ फेरिंजियल ब्रांच, ओके, वेगस की फेरिंजियल ब्रांच के थ्रू। तो सॉफ्ट पैलेट की पांच मसल्स कौन सी होती हैं, तो उनको यहाँ देख रहे हैं, ओके। तो हमने बात कर ली कि बेसिकली आल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, मसल्स की आल फेरिंग्स की आल मसल्स कौन कौन सी होती है, टोटल सिक्स मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है तीन एंड कॉन्स्ट्रिक्टर होती है तीन। इन सिक्स मसल्स में से हम स्टाइलोफेरिंजियस को उठा रहे हैं क्योंकि स्टाइलोफेरिंजियस दिस इज सप्लाई बाय क्रेनियल नर्व नंबर नाइन, ओके। एंड क्रेनियल नर्व नंबर नाइन दिस इज द नर्व ऑफ थर्ड आर्च, थर्ड फेरिंजियल आर्च, सो थर्ड आर्च, थ्री जी मतलब थर्ड आर्च, जी मतलब ग्लोसोफेरिंजियस, तो ग्लोसोफेरिंजियस दिस इज द नर्व ऑफ थर्ड आर्च, ओके। तो स्टाइलोफेरिंजियस को छोड़ के बची पांचों मसल्स, दीज आर सप्लाई बाय वेगस नर्व की फेरिंजियल ब्रांच के थ्रू वाया फेरिंजियल प्लेक्सिस, ओके। उसके बाद देखिए अब आते हैं सॉफ्ट पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट की मसल्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए मैं सॉफ्ट पैलेट मसल्स को नीचे लिख रहा हूँ कि इसकी मसल्स कौन कौन सी होती है। तो एक होगी हमारे पास टेंसर वैली पैलेटनी, टेंसर वैली पैलेटनी, पैलेटिनी, ओके। तो एक होती टेंसर वैली पैलेटनी, एक होती है लिवेटर, एक होती है हमारे पास लिवेटर वैली पैलेटनी। तो टेंसर वैली पैलेटनी, लिवेटर वैली पैलेटनी, एक होती है हमारे पास मस्कुलस यूली, ओके। तो वहां से बात कर रहे थे सॉफ्ट पैलेट की मसल्स कौन कौन सी होती है, पांच मसल्स होती है, पांच में से तीन पढ़ ली थी, टेंसर वैली पैलेटनी, लिवेटर वैली पैलेटनी, एक होती है मस्कुलस यूली, मस्कुलस, एक होती है मस्कुलस यूली, और नंबर नंबर फोर्थ होती है हमारे पास पैलेटोग्लोसस, एंड नंबर फिफ्थ होती है हमारे पास पैलेटोफेरिंजियस। ओके, देखिए पैलेटोग्लोसस आप टंग में ही पढ़ते हैं क्योंकि पैलेटोग्लोसस ये टंग की मसल्स भी है और बेसिकली ये सॉफ्ट पैलेट की मसल्स भी है। वैसे ही पैलेटोफेरिंजियस ये हमने यहाँ भी लिखी है, देखिए ना पैलेटोफेरिंजियस, देखिए यहाँ पे स्टाइलोफेरिंजियस, यहाँ पे होती है सेल्पिंगोफेरिंजियस और यहाँ पे होती है पैलेटोफेरिंजियस, ओके। तो फेरिंजियस जोड़ देना जो कि यहाँ लिख रखा है ना फेरिंजियस, ये फेरिंजियस आपको सबके पीछे ऐड करना है, स्टाइलोफेरिंजियस, सेल्पिंगोफेरिंजियस एंड पैलेटोफेरिंजियस, ओके। तो दीज आर द फाइव मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। इन फाइव मसल्स में से आपको कौन सी मसल उड़ानी है, टेंसर पैलेटनी। तो जो टेंसर वैली पैलेटनी है दिस इज नॉट सप्लाई बाय फेरिंजियल प्लेक्सिस, ये फेरिंजियल प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई नहीं होती है। तो टेंसर वैली पैलेटनी दिस इज सप्लाई बाय, ये सप्लाई होती है हमारे पास मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व की भी कौन सी ब्रांच, नर्व टू मीडियल टेरेगोइड, ओके। तो टेंसर वैली पैलेटनी दिस इज सप्लाई बाय नर्व टू मीडियल टेरेगोइड ऑफ मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद जो ये पांचों मसल्स हैं ना, जो चारों मसल्स हैं नीचे वाली, चारों मसल्स, दीज आर सप्लाई बाय फेरिंजियल प्लेक्सिस, फेरिंजियल प्लेक्सिस में भी किसके थ्रू, वेगस नर्व की फेरिंजियल ब्रांच के थ्रू, ओके। तो देखिए हमने बोला कि आल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ओके,
तो आर्म मसल्स ऑफ फेरिंग्स में से फेरिंग्स की पांच मसल्स सेल्पिंगो, पैलेटो, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो ये हैं ये सप्लाई होती है हमारे वेगस नर्व के थ्रू। ओके, तो देखिए जो जो सप्लाई हो रही है मैं उसको एक अलग स्केच से मार्क, जो 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 मसल्स हमारे फेरिंजियल प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई होती है उसे मैं लिखूंगा इस कलर के स्केच से, मतलब इससे मार्क करूंगा। सेल्पिंगो दिस इज सप्लाई होती है, यस होती है। पैलेटो होती है, यस। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होती है। ओके, देन हमने फिर आपको यहाँ नीचे बताया था सारी की सारी हमारे सॉफ्ट पैलेट की मसल्स, देखिए ना, सो ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो कि हमने यहाँ पे सारा का सारा चार्ट बना दिया। तो पांच मसल्स होती हैं, पांच में से लिवेटर वैली पैलेट नहीं सप्लाई होगी फेरिंजियल प्लेक्सस के थ्रू, यस होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ओके, तो पांच मसल्स हो गई फेरिंग्स की एंड फोर मसल्स हो गई सॉफ्ट पैलेट की। ये सारी मसल्स दीज आर सप्लाई बाय फेरिंजियल प्लेक्सस, फेरिंजियल प्लेक्सस में भी वेगस की फेरिंजियल ब्रांच के थ्रू। तो हमने सारी की सारी मोटर सप्लाई पढ़ ली है, अब आती है सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी में कुछ याद निकलना, सेंसरी में बस इतना याद करना है कि जो हमारे होते हैं ना म्यूकस कोटिंग, फेरिंग्स की म्यूकस कोटिंग होती है या सॉफ्ट पैलेट की म्यूकस कोटिंग होती है, उसको सप्लाई करती है हमारी, मतलब उसको सप्लाई करती है ये वाली सेंसरी ब्रांच। ओके, देन वेसोमोटर, वेसोमोटर मैंने बोल ही दिया कि फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट की जो ब्लड वेसल्स होती है, वेसोमोटर मतलब दिस इज सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये सप्लाई करेगी हमारी ब्लड वेसल्स को। ओके, तो देखिए सारा का सारा हो गया हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेरिंजियल प्लेक्सिस ये लैरिंग्स की मसल्स को सप्लाई नहीं करता है। तो लैरिंग्स की मसल को सप्लाई कौन करता है? देखिए लैरिंग्स मसल आर सप्लाई बाय वेगस नर्व, ओनली वेगस नर्व के थ्रू सप्लाई होती है, वेगस नर्व सप्लाई करती है लैरिंग्स की मसल्स को। वेगस नर्व की भी कौन सी ब्रांच? वेगस नर्व की भी टू ब्रांच, एक होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, एक होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ओके, तो ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाई बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड दिस इज सप्लाई बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ओके, चलो इसी को भी लिख देते हैं। देखिए लैरिंग्स के लिए भी एक लाइन होती है LARYNX। देखिए हमारा फेरिंजियल प्लेक्सिस पूरा हो गया है, फेरिंजियल प्लेक्सिस लैरिंग्स को सप्लाई, लैरिंग्स मसल्स को सप्लाई नहीं करता है। हम ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं लैरिंग्स के लिए क्या है, ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स सप्लाई बाय SUPPLY, सॉरी गलती हो गया, सप्लाई बाय या एल लिख देना बीच में, ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स सप्लाई बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व CURRENT, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ओके, ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाई बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड मसल, ओके, क्रिकोथायरॉइड मसल को छोड़ के ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाई बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब बेसिकली ये नहीं होती तो क्रिकोथायरॉइड ये किसके थ्रू सप्लाई होती है? तो देखिए क्रिकोथायरॉइड दिस इज सप्लाई बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, देखिए हमारे आपने पढ़ा हो वेगस नर्व की एक होती है सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच। ओके, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व टू पार्ट में डिवाइड होती है, एक होगा एक्सटर्नल लैरिंजियल, एक होता है इंटरनल लैरिंजियल। ओके, तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ, सॉरी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ वेगस। ओके, तो बेसिकली जो ये है ना ये कौन सी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो गई या फिर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व हो गई, ये दोनों ही ब्रांच होती है वेगस की, बोथ आर द ब्रांच ऑफ वेगस। ओके, ये भी वेगस की ब्रांच है, ये भी वेगस की ही ब्रांच है। ओके, तो बेसिकली लैरिंग्स सप्लाई हो, लैरिंग्स मसल्स आर सप्लाई बाय वेगस नर्व, नॉट बाय फेरिंजियल प्लेक्सिस, फेरिंजियल प्लेक्सिस लैरिंग्स की मसल्स को सप्लाई नहीं करता है। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा लैरिंग्स का। देखिए एक और आपको एक और चीज देखने को मिली होगी, हमने आपको बताया तीन चीजें, लैरिंग्स, लैरिंग्स बताया था हमने आपको, एक फेरिंग्स बताया था PHARYNX, फेरिंग्स एक बताया था हमने, सॉफ्ट पैलेट वो कैसे, देखिए हमने यहां लिखा है ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स, मतलब यही लाइन हमने यहां भी रिपीट की है, ये वाली लाइन हमने यहां रिपीट की है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स, तो हमने यहां लिख रखा है, देखिए अगर आपने दिखा हो तो ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर सप्लाई बाय फेरिंजियल प्लेक्सिस एक्सेप्ट
स्टाइलोफेरिंजियस, लेकिन ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस, मतलब फेरिंग्स में भी एक अपवाद है। ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट टेंसर पैलेट नहीं, इसमें भी एक अपवाद है। देखिए फेरिंग्स हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, मतलब फेरिंग्स की मसल्स में भी एक एक्सेप्शन है, सॉफ्ट पैलेट की मसल्स में भी एक वन एक्सेप्शन है। एंड वैसे ही हमारे पास लेरिंग्स मसल में भी एक एक्सेप्शन है, हमने लिखा ना ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट आर सप्लाई बाय दिस एंड बट एक्सेप्ट, ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर सप्लाई बाय बट एक्सेप्ट एंड, मतलब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ओके तो इसका ऑल मसल्स ऑफ, ओके तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप पे पूरा क्लियर कर दूंगा। ओके जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, ओके तो फाइनली अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो भी चार्ट हमने यहाँ पे बनाया है मैं इस चार्ट को वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, या फिर आप इस चार्ट को मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।